हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटल टॉप टैप। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हम अपनी शॉप किसी बड़े कॉम्प्लेक्स में, किसी बड़े मॉल्स में या कोई बड़ी मार्केट में करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कर इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पे दुकानें खाली नहीं होती हैं और वहाँ के किराया जो रेंट होता है दुकान का वो भी बहुत हाई होता है, जिसको हम नहीं पे कर पाते हैं। कुछ जगह होता है कि हमको पगड़ी जमा करनी पड़ती है, पगड़ी देनी पड़ती है, तब हमको दुकान वहाँ पे मिलती है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है इसलिए हम वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, दुकान अपनी शॉप नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक ही चीज़ और ये कि मतलब हमारे दिमाग में ये हमेशा चलता रहता है कि हमें बड़े कॉम्प्लेक्स में, बड़े मॉल में या अच्छी कोई बड़ी मार्केट है उसमें हमें अपना बिजनेस करना है। हम हमेशा इसीलिए सोचते हैं कि वहाँ पे हम बिजनेस करना है क्योंकि वहाँ पे अधिक लोग आते हैं वहाँ पे, और ज़्यादा पैसे वाले लोग आते हैं, अच्छी सोसाइटी वाले लोग वहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, इसलिए ये हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि हम जो है अपनी शॉप बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़ी मार्केट, मॉल्स इनमें ही करें। इसीलिए सोचते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे बड़े लोग आते हैं, पैसे वाले लोग आते हैं, ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, तो वहाँ पे शॉपिंग या मार्केट जो है अच्छी रहती है, तो इसलिए जो है हमारी भी सेल ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो इसलिए हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कहीं ना कहीं इसी कोई अच्छी सी सोसाइटी में हमारी शॉप हो जाए तो हमारा जो है इनकम अच्छा खासा होने लगेगा मंथली का। लेकिन आज दोस्तों उस इनकम का बिल्कुल आप फिक्र ना करें, आपका निःशुल्क मैं बताने वाला हूँ और ऑल इंडिया आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं बिल्कुल फ्री। वो मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप आपको कैसे करना है, सारा जो भी मैं बताऊँगा आप स्टेप बाई स्टेप आप फॉलो करना मेरे को, और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे करना, और आपका प्रोडक्ट ऑल इंडिया बिकना शुरू हो जाएगा और आपको लोग पसंद भी करेंगे। यदि आप अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा रखेंगे तो आपकी 100% इनकम होने वाली है मंथली, बहुत अच्छी खासी, बिना जीरो इन्वेस्ट पे। एक छोटी सी सिटी या कोई बड़ा शहर, बड़ी सिटी, उसी में सोचते थे कि हमारी मार्केट कहीं ऐसे कॉम्प्लेक्स में या मॉल्स में या कहीं कोई बड़ी मार्केट में हो जाए जहाँ पे लोग जो है ज़्यादा आते हैं, अच्छी खासी इनकम होने लगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो आपका प्रोडक्ट 100% ऑल इंडिया बिकने वाला है बिल्कुल फ्री में, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो भी अमेजन सभी लोगों से लेता है वही आपसे लेगा 100%। हम बताएंगे अमेजन पे कैसे कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचना है, कैसे कैसे अपना अकाउंट बनाना है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए, देर ना करके हम चलते हैं अमेजन की वेबसाइट पे और हम आपको बताएंगे वहाँ पे कि कैसे कैसे आपको अमेजन की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को डालना है वहाँ पे, कैसे जो है सेल करना है वहाँ पे, सब कुछ मैं बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। देखते रहना, वीडियो को स्किप ना करें, यदि वीडियो को स्किप कर देंगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी जिससे कि फिर आप अपना अकाउंट या अपना प्रोडक्ट जो है अमेजन की वेबसाइट पे नहीं डाल सकेंगे और अमेजन के माध्यम से आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपना अमेजन पे अकाउंट कैसे बनाएं, कैसे अपनी दुकान अमेजन पे खोलें और कैसे अपना सामान अमेजन के माध्यम से ऑल इंडिया बेचें। बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, 100% फ्री रहेगा। आज आप हमेशा सोचते रहते हैं कि किसी ऐसी जगह हम अपनी शॉप करें जहां पे हमारी बिजनेस ज़्यादा हो, सेल ज़्यादा हो, अच्छा पैसा कमें, ये हमेशा हम लोग सोचते रहते हैं। सोचते हैं कि किसी बड़े कॉम्प्लेक्स में या किसी बड़े मॉल में या कोई बड़ी मार्केट में हमारी शॉप हो, लेकिन हम क्या नहीं खोल पाते हैं वहाँ पे शॉप, क्योंकि वहाँ पे दुकानें खाली नहीं होती हैं, दुकानें खाली भी होती हैं तो उनका किराया इतना महंगा होता है कि वो हम किराया पे नहीं कर पाते हैं, वो हमारे बजट से बाहर होता है।
तो इसलिए हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं, कैसे अपना बिजनेस हाई लेवल पे लेके जाएं। तो आज मैं आपको फ्री में बताने वाला हूं अमेजन वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और आप अपना ऑल इंडिया सामान कैसे बेच पाएंगे। जो भी आपका सामान है, जो भी आप बेचना चाहते हैं, जिस भी चीज़ का आप बिजनेस करना चाहते हैं, उस चीज़ का बिजनेस आप कैसे अमेजन के माध्यम से करेंगे। चलिए देर ना करके स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे। ये मैं गूगल पे आ गया हूँ। गूगल पे हम लिखेंगे अमेजन। अमेजन सेलर लॉगिन लिखेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। उससे पहले डेस्कटॉप साइट पे हम अपने मोबाइल को करेंगे, थ्री डॉट से क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट से अपने मोबाइल को क्लिक करके सबसे ऊपर आ रहा है साइन इन अमेजन सेलर कंट्रोल सेंट्रल पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम करेंगे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के बाद क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल जो है, जो भी ये डिटेल मांग रहा है वो डिटेल भर देंगे। अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, ये लिख दिया है। मोबाइल नंबर लिख देंगे। मैंने ये मोबाइल नंबर लिख दिया है। अब यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ये मैंने लिख दिया है। यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। एक बड़ा अक्षर, फिर छोटे अक्षर, कुछ नंबर और फिर कुछ सिंबल, इस तरह से पासवर्ड बनाना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने कंटिन्यू कर दिया है। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे। देखिए ओटीपी फिल करने के बाद इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी कंपनी का नाम या जो भी या बिजनेस है आपका, जिस भी बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसका आप नाम रखा होगा कोई, वही नाम यहाँ पे डाल देना है। मैं देखिए यहाँ डाल दे रहा हूँ, मैं डाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने डाल दिया है। ये बॉक्स है, बॉक्स में क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया है। इसी प्रकार से ये चारों बॉक्स के जो भी आप डिटेल भरेंगे उसमें वेरीफाई हो जाएंगे। ये अगली डिटेल हमें फिल करनी है, हमको कहाँ से बिजनेस करना है वो सारी ये डिटेल हमको फिल करनी है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये मैं देखिए सेट आ नाउ फॉर योर अमेजन स्टोर। अमेजन स्टोर पर आप किस नाम से अपना शॉप या शॉप खोलना चाहेंगे उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। ये देखिए मैंने डाल दिया है अपने बिजनेस का नाम, और चेक कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए मेरे स्टोर का नाम वेरीफाई हो गया है। सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, इसको सेलेक्ट करेंगे। क्या प्रोडक्ट आप बेचना चाहेंगे, ये सब कैटेगरी हैं, किस कैटेगरी के अंदर आपका प्रोडक्ट आता है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं बुक्स पर सेलेक्ट करके बताता हूँ आपको। आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे,
ये एड्रेस डाल दिया है मैंने और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये तीन बॉक्स आएंगे, तीन बॉक्स में से एक बॉक्स को हमको सेलेक्ट करना है। शुरू स्टार्टिंग में हमको अमेजन इजी शिप पे क्लिक करना है। ये क्या होता है कि मतलब ये सब कुछ आपको इजी जो है जो भी सिस्टम है प्रोवाइड कराएगा। इजी शिप में आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी डिलीवरी बॉय होगा वो आपका प्रोडक्ट आपके घर से लेके जाएगा और यदि वो रिटर्न भी आता है तब भी वो आपके घर पे खुद रिटर्न करके जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपने घर पे ही रहना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो भी है उसको हम फिल करेंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ और टेस्ट मैसेज या वॉइस डिलीवरी जो भी है आप टेस्ट मैसेज पे ही क्लिक करना और कंटिन्यू कर देना। उसके बाद एक ओटीपी आएगा दोस्तों, उस ओटीपी को हमको यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई करना है। ये मेरा ओटीपी आ गया है, क्लिक कर दिया है। अब देखिए कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये छोटा सा बॉक्स है, इस पर टिक करके और स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने कुछ और नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार का नया इंटरफेस आपको सामने आ गया है। देखिए ये चार बॉक्स बने हैं, चार में से तीन ग्रीन हो गए हैं, एक अभी हमारा बाकी रह गया है, उसको भी हमें कंप्लीट करना है। देखिए दोस्तों हमको ऑफर फ्री शिपिंग पे क्लिक करना है, इस पे हमने क्लिक कर दिया है और सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए कुछ हमारे पास इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और ये सारे स्टेप हमको पूरे करने हैं। बैंक डिटेल डालेंगे, एंटर टैक्स डिटेल डालेंगे, जो भी हमारा जीएसटी नंबर है, यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो ले लेना वो अच्छा रहेगा। और बैंक डिटेल में जो भी है हम अपना डिटेल डाल देंगे, और सेविंग अकाउंट है तब डाल देंगे, सेविंग अकाउंट रहेगा आपके पास तो सेविंग अकाउंट डालेंगे। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है सेविंग अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, करंट अकाउंट। यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर सिग्नेचर हम कोई भी सिग्नेचर है वो हम कर देंगे अपना। देखिए मैंने करके दिखा दिया है, मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए ये भी ग्रीन हो गया है। प्रोडक्ट टैक्स देखिए हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी प्रोडक्ट टैक्स में जीएसटी हमारी आती है, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसको हम सेलेक्ट करके नेट से सर्च कर लेना कि कितने परसेंट जीएसटी उस पर जाती है हमारे प्रोडक्ट पे। देखिए प्रोडक्ट वाला भी ग्रीन हो गया है। वेरीफाइड टैक्स डिटेल, यहाँ पर हम टैक्स डिटेल डालेंगे, जो भी आपकी टैक्स डिटेल होगी वो आपको फिल करनी है। अपना जीएसटी नंबर डाल के, होगा तब नहीं होगा तब भी हो जाएगा, जीएसटी नंबर डाल के ओटीपी फिल कर लेंगे। एंटर टैक्स डिटेल जो भी है आपकी, जीएसटी नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, इस प्रकार से ग्रीन ग्रीन ये होते चले जाएंगे जो भी हम डिटेल डाल देंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है, तो इसलिए मैंने तीन चार डिटेल नहीं डाली हैं, इसलिए ग्रीन ग्रीन नहीं हुआ। उसके बाद हम लॉन्च योर बिजनेस पर चले जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, कैटलॉग लिखा है, कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार का देखिए इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है हम अपना प्रोडक्ट चॉइस करेंगे, जो भी हमारा बुक प्रोडक्ट है उसको हम सर्च कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ, देखिए सर्च हो गया है। अब देखिए हम किस किस प्रकार की बुक्स यहाँ पे बेच सकते हैं, इसी प्रकार से आप भी जो है सर्च करेंगे और किस किस प्रकार की आप जो है मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे शो कर जाएगा कि ये आइटम आप हमारे यहाँ पे बेच सकते हैं, ये आइटम नहीं बेच सकते हैं। तो मैं और भी आगे का प्रोसेस करके आपको दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट अ कंडीशन पर क्लिक करेंगे, न्यू के बाद सेल दिस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। सेल दिस प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस
देखने को मिलेगा। ये कुछ समय लेगा अपलोड होने के लिए, तो अब ये 90 मिनट के लिए बोल रहा है कि 90 मिनट के बाद आपका जो है अकाउंट, क्योंकि हमने अभी नया नया बनाया है, अपडेट होगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट मैं करके दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से आप जो है अगला प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है, उस आगे का प्रोसेस देखिए। अब देखिए सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपके सामने कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम सारी डिटेल जो है, जो भी है, सारी डिटेल फिल करेंगे हमारे पास क्या है। अब यहाँ से देखिए हम योर प्राइस सेलेक्ट करेंगे। मैंने मान लीजिए 100 रुपये मैंने कर दिया है। लास्ट प्राइस क्या रहेगा आपका, लास्ट प्राइस भी मैंने मान लीजिए, चलिए मैंने 90 रुपये मान लिया है। ये मैंने 90 रुपये की क्वांटिटी कितनी है, कितनी बुक बेचना चाहते हैं, मैं 10 बुक बेचना चाहता हूँ। कंडीशन क्या रहेगी आपकी, नो न्यू रहेगी। कंट्री क्या रहेगा आपका, कंट्री इंडिया रहेगा या जो भी आपकी है। HSN कोड, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका कोड जो भी होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। नहीं होगा तो आप गूगल कर लेंगे, गूगल का प्रोडक्ट का नाम डालेंगे कि ये प्रोडक्ट है हमारा, ये हमें कोड डालना है, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। गूगल आपको सर्च करके दे देगा कि आपके कोड का, प्रोडक्ट का कोड ये है। चलिए मैं कुछ डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या रहेगा, मान लीजिए मैंने मैक्सिमम 150 रुपया कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, या अमेजन विल शिप, तो ईजी शिप पे मैंने क्लिक कर दिया है ऊपर वाले पे ही। आप जैसे भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और सेव एंड फिनिश पे हम क्लिक कर देंगे। ये मैंने सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर दिया है। कुछ इस प्रकार का मेरे सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये मेरा प्रोडक्ट का जो मैंने लिस्टिंग किया है वो मेरे सामने आ गया है, ये मेरे सामने आ गया है सारी डिटेल। ये मैंने बुक का बारे में आपको डिटेल भर के दिखाई थी। योर अपडेट हैव बिन सबमिटेड, ये मैंने प्रोडक्ट जो है अपना भर के दिखाया था। अब देखिए और भी मैं देख लूँगा इसमें, मैनेज इन्वेंट्री हेल्प पे मैं जाऊँगा। तो मेरे प्रोडक्ट की डिटेल मेरे सामने आ जाएगी। ये देखिए ये सारी डिटेल जो है आ गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब दिखा रहा है। ये बहुत आसान है दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपना अकाउंट बना के अमेजन की वेबसाइट पे अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल इंडिया अपना सामान बेच सकते हैं। बहुत आसान है अमेजन की वेबसाइट पे जो भी है, जो भी आपका सामान है, बहुत आसान तरीके से बेच सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन अमेजन की वेबसाइट पर कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, घंटी का बटन दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।